दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा, बेस्ट विशेस है मेरे इस तरफ से कि आप लोग मुझे इस छोटे से इंसान को, इस छोटे से चैनल को 2000 सब्सक्राइब तक बढ़ा दिया। मैं बहुत ही खुश हूँ दोस्तों, मेरे लिए 2000 बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि मैं 10,000, 1,00,000 का सोचता है सब लोग, लेकिन 2000 मेरे लिए बहुत काफ़ी है। आप सभी को बहुत बहुत दिल से प्रणाम और धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और भी वीडियो शेयर कीजिए और नए लोग सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। इनको 5,000 तक बहुत ही जल्दी, मतलब अगले एक साल में 5,000 तक ले जाने का आप लोगों का जिम्मेदारी है। कम से कम एक साल, ज़्यादा नहीं, उससे कम से कम टाइम में हो जाएगा तो बहुत मैं खुश रहूँगा। बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों तबीयत ठीक नहीं था। एक्चुअली वेदर चेंज हो रहा था, सीजन चेंज हो रहा था, तो थोड़ा गला बैठ गया था, थोड़ा आपका फीवर हो गया था, थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए गला अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं है। अभी भी खांसी का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना आपके लिए, आप लोगों के लिए मेरा जिम्मेदारी है, तो इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और एक मेरा खुद का ब्लेंड है, बहुत दिन से मैं इसको प्रोसेसिंग में रखा था, सोचा था कि विंटर सीजन में सर्दी के टाइम में ही उसको लॉन्च कर दें, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इसको बनने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा दिक्कत हुआ, थोड़ा देर हुआ, इसलिए थोड़ा देर में इसको निकाल रहा हूँ। ये दोस्तों केसर गुलाब, और केसर गुलाब की खासियत, सबसे जो खासियत है, इसमें नेचुरल केसर पत्ती भी डाली गई है, मतलब केसर इसमें नेचुरल है। आप देख सकते हो दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें नेचुरल केसर डाली गई है दोस्तों। हाँ, एक्चुअली फोकस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद, नेचुरल केसर इसमें है दोस्तों। और एक्चुअली देखिए, ऐसा नहीं कि नेचुरल केसर डालने में इसमें केसर का फ्लेवर आ जाएगा या खुशबू आ जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। इसमें नेचुरल केसर तो डाली गई है, लेकिन वो प्रोसेसिंग करके डाली गई है। आप अगर ऐसे ही ऑयल में केसर डाल देंगे तो ऐसे केसर से खुशबू नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन हमने एक प्रोसेस किया है, वो तो नहीं बता सकते दोस्तों, लेकिन हाँ, बहुत ही शानदार। तो फिर इसके ऊपर चर्चा किया जाए, केसर गुलाब क्या है दोस्तों। एकदम सिंपल सी बात है, आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो केसर डालने का जो प्रोसेस है वो आपको हम नहीं बताएंगे। बेस में है सैंडलवुड ऑयल, और ऊपर है केसर का ऑयल, और ऊपर है गुलाब का ऑयल, बस कुछ नहीं। और हसायन वाली गुलाब है दोस्तों, इसका फ्रेशनेस और भी ज़्यादा होता है। और हाँ, इसको डालने के बाद मैंने केसर को एक प्रोसेस किया था, फिर ऑयल में डाली गई है। अब ऐसे मत समझ लीजिएगा केसर को उबाल के दिया था तो अतर ख़राब हो जाएगा, एक प्रोसेस होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें वो केसर है नेचुरल केसर, और इसके लिए इसका खुशबू और भी बढ़िया हुआ है, और बहुत ही मज़ेदार कह सकते हैं, एक उड़ीसा स्मेल आ गया है इस गुलाब में से। देखिए दोस्तों, पहले जो सूंघने में आपको पता चलेगा बहुत सारा केसर का खुशबू, ऐसे लगेगा कि कोई आप मिठाई के दुकान में चल गए हो और मिठाई के दुकान के बाहर कुछ खुशबू आ रहा है जो केसर का, आपका जो केसर वो मीठा जो होता है, आपका मलाई या दूध के जो फैट होता है दोस्तों, उनमें से जो खीर या कलाकंद जैसा खुशबू आपको मिलेगा। हाँ, मिलेगा ज़रूर, लेकिन जब ये ड्राई डाउन होगा तब पता चलेगा इसमें सैंडलवुड का मज़ा, जो उड़ी नोट ले आएगा दोस्तों। मैं तो इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ ऊद के ऊपर, मतलब ऐसे उसमें ऊद नहीं डाली गई है, एकदम ही नहीं, ज़ीरो है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊद का जो स्पाइसी स्मेल है वो यहाँ लाई गई है दोस्तों, क्योंकि एक कला है किसी भी अतर के साथ किसी अतर को बिठाना, इतना भी सहज काम नहीं है। आप घर में कर सकते, जैसे खस के ऊपर कुछ भी डालिएगा तो खस अपना खुशबू खींच लेगा, ऊद भी होता है ऐसा, सैंडल होता है, लेकिन ये भी एक कला होता है। किसी एक ने मुझे एक बार कुछ बदमाशी करके कहा तो मैं भी इसको मिला दूंगा अतर, फेमस साइंटिस्ट अतर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आप मिला कर देखिए, हर एक का नहीं होगा, कला एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, एक एक इंसान में कला होता है, तो ऐसे ही है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप सब लोग इसे बना सकते, हम तो दावे के साथ कह सकते हैं मेरा ये अतर आप लोग एक भी इंसान खरीद कर बना कर देखिए नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ तो फार्मूला डाली गई है जो मेरा इंडिविजुअल, मेरा मौलिकत्व है दोस्तों। तो ऐसे ही है आपका, और इसका फ्रेश नोट एकदम गुलाब जैसा ही है दोस्तों,
एकदम ओपन नोट जैसे लगेगा, गुलाब के बगीचों में कुछ मिठाई का मिठाई बना हो रहा है, मतलब बनाया जा रहा है एक गुलाब के बगीचे में। तो ओपन नोट है फ्रेश हसायन वाली गुलाब, और मिडिल रेंज में जो है, हाँ एक कह सकते हैं कि स्वीटी सुपारी या पान मसाला टाइप का खुशबू, लेकिन लॉन्गजिविटी ज़्यादा नहीं। जो लोग जानते हैं उन लोगों के लिए हम कहना चाहते हैं, आप लोग सर्च कीजिए, केसर की खुशबू एकदम नहीं टिकता, ना के बराबर, जीरो के बराबर, क्योंकि केसर एक्चुअली खाने के लिए बनाया जाता है। हाँ किसी भी खुशबू को प्रोजेक्शन देने के लिए, मतलब मिडिल नोट या थोड़ा सा टॉप नोट के बाद में जो नोट आता है उसमें केसर डाली जाती है दोस्त, क्योंकि केसर का खुशबू लाने के लिए। इसमें बहुत सारा केसर है और नेचुरल केसर भी है, आप थोड़ा देख लीजिए, इसमें फोकस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, शायद आपको दिख रहा है जो शायद होगा। हाँ इसमें नेचुरल केसर डाली गई है दोस्तों, नेचुरल केसर के लिए इसमें केसर टोन बहुत ज़्यादा आ गया। जो लोग केसर का खुशबू पसंद करने वाले इंसान हैं उन लोगों के लिए बहुत ही, मतलब चाहिए ही चाहिए ऐसा कुछ अतर है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ अतर लगाते हैं, मतलब ऐसे चलो लगा लिया खुशबू टिकेगा। जो लोग नेचुरल लगाते वो लोग जानते हैं नेचुरल खुशबू टिक नहीं टिकता। आप कोई भी नेचुरल रू गुलाब लगा लीजिए बहुत दाम से, वो भी नहीं टिकेगा। देखिए एकदम हल्का हो गया, लेकिन जो खुशबू दे रहा है ना, जो विनी विनी सा खुशबू दे रहा है गुलाब केसर और सैंडल का, जो एक एक कह सकते एक कॉम्पोजिशन, इतना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, इतना बढ़िया कि मन महक जाए, मन महक जाए। तो जो लोग मीठा खुशबू पसंद करते हैं, केसर गुलाब जैसा खुशबू पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए आता है, सभी लोगों के लिए नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा लोग है जो केसर नहीं खुशबू पसंद करते। मुझे भी पहले पहले केसर का खुशबू उतना भी अच्छा नहीं लगता, बहुत मीठा लगता था, लेकिन अब तो सारी खुशबू भी मुझे पसंद आ रहा है दोस्तों। तो केसर गुलाब लाने में थोड़ा देर हो गया, ठंड का सीज़न जा रहा है, अभी केसर के ऊपर चर्चा कर ले, लेकिन फिर भी दोस्तों अब गर्मी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें गुलाब है, गुलाब का फ्रेशनेस इसमें है, और चंदन होने के लिए इसमें तासीर बहुत ठंडा रहेगा दोस्तों। कि अभी एक चंदन और केसर का खुशबू बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रहा है। और दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मैंने किसी किसी कुछ कुछ अतर जैसे सुपर शमामा, ऊद मुखल्लत, नबी मोहम्मद, ऊद सुहागा, इसके ऊपर 25 ग्राम का एक पैकेट लॉन्च किया हूँ। देखिए कितना बड़ा है, 25 ग्राम कह सकते हैं, 25 ml से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, और प्राइस रखा हूँ, शायद दिख रहा है, प्राइस रखा हूँ 3,500। एक बिजनेस का एक टेक्निक होता है दोस्तों, ज़्यादा बेचने में थोड़ा मुनाफा ज़्यादा आता है, इसलिए कम दाम में हम छोड़ सकते हैं। आप जब एक तोला लेते हैं तो 10 से 12 ग्राम तक आपको मिलता है, और दो तोला लेते हैं तो कितना मिलता है दो की दोस्तों 24-25 ऐसा कुछ। तो अगर मिलेगा तो आपको कितना जाता है, क्वार्टर तोला 500 रुपया, तो कितना हो रहा है दोस्तों, 2,000-2,000-4,000 हो रहा है। तो मैं इसको रखा हूँ 3,500, और बोतल बहुत ही शानदार है, ये ऐसा बोतल है, और इसमें एक बड़ा सा डिपस्टिक है, देख लीजिए एक बड़ा सा डिपस्टिक है, थोड़ा मतलब प्लास्टिक का होता है ना, सुपर शर्मा की क्या बात करें, जो लोग जानते हैं इसके ऊपर वीडियो आज नहीं चर्चा करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक बार लगा कर देखिए, जो लोग नया लोग हैं, और हाँ जो लोग पुराने लोग हैं उसके लिए एक्चुअली ऑफर हम निकाला है। हाँ बस लग गया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। इसमें आपका डिलीवरी चार्ज भी फ्री है, कोई भी 25 ग्राम का बोतल आप एक भी लीजिएगा तो डिलीवरी चार्ज फ्री रहेगा। एक्चुअली डिलीवरी चार्ज कितना लगता है, 110 रुपया, तो फ्री रहना चाहिए। फिर दोस्तों अगर चाहिए तो मेरे साथ व्हाट्सएप में संपर्क कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नीचे है। जो लोग शवामा लगाने वाले इंसान, सुपर शवामा खास करके, ये ना इतना भी काला टाइप का नहीं है, एक्चुअली योलिश रेडिश टाइप का है, बहुत डीप हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारा है इसलिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों लोग सोचेगा कि देखो संगत भाई कैसे प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, क्यों ना करूँ दोस्तों, अच्छे चीज़ है, अच्छे चीज़ का प्रमोट करना ही चाहिए। केसर गुलाब अगर आपको चाहिए, मेरा लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, केसर गुलाब अगर आपको चाहिए 350 रुपया है। दो दिन पहले इमरान भाई से बात हो रहा था, मैंने उसको कह दिया 400 रुपया, नहीं कॉस्टिंग के दिए, कॉस्टिंग मतलब एक होता है ना, बैलेंस करके देखा कि 350 में मेरा मुनाफा आ जा रहा है, जितना भी आ रहा है उतना ही काफ़ी है। क्वार्टर तोला का 350 रुपया, मतलब आपका एक तोला लगेगा आपका 1,400 रुपया दोस्तों। अगर किसी पालने चाहते हैं तो मुझे कॉल कीजिए। देखिए इतना भी हर्ट्स मिल नहीं है, वो लोग जैसे सोच रहे हैं कि यहाँ लगाएंगे तो 10 ml तक उसका खुशबू जाएगा, उनके लिए एक खुशबू नहीं है दोस्तों, आप लोग मत लीजिए। लेकिन जो लोग
अतर को जानते हैं, नेचुरल को पहचानते हैं, उन लोगों के लिए अतर है। और हाँ, लकी डॉग गेम फिर खेला जाएगा इस फेब्रुअरी में, तो पूरा वीडियो जनवरी से फेब्रुअरी तक देखना पड़ेगा। किसी भाग्यशाली 3 विजेता को मेरे तरफ से अतर गिफ्ट होगा, गिव अवे रखेंगे। और दोस्तों एकदम सच बात सुन लीजिए, सुपर शमामा भी बहुत ही शानदार आता रहे, जो लोग लगा चुके हैं वो लोग जानते हैं। आज के लिए वीडियो मुझे यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि तबीयत इतना भी ज़्यादा ठीक नहीं है, फिर बंगाली में भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। और आप लोग चाहे तो मेरा फेसबुक पेज अतर वर्ल्ड छोनार बांग्ला में एक लाइक कर दीजिए, वहाँ का सदस्यता ले लीजिए। खुशबू की दुनिया मेरा फेसबुक पेज है। मेरा इंस्टाग्राम है sangat.attar, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, मेरा वेबसाइट नीचे डाली गई है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मेरा जो बंगाली लोग बंगाली दोस्तों देख रहे हैं उन लोगों की एक बंगाली का चैनल है सुगंधी बंधु, नीचे लिंक दी गई है, आप लोग जाकर वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बिल्कुल फ्री है। और इस चैनल में भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, 2000 तो हो गया, आप लोगों का प्यार मोहब्बत से मैं इतना खुश हूँ क्या बताएं। फिर इनको 5000 तक ले जाने का जिम्मेदारी आप तक है, तो इसलिए यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, संगत को विदा दीजिए, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, शांति से रहिए और खुशबू से रहिए।